अगर आपके पास कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, और वे एक बॉडी पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे लग रहे हैं साइमल्टेनियसली, सच दैट F1 F2 वेक्टर में एंगल गामा, F2 F3 में अल्फा, F3 F1 में बीटा, क्लियर है यहाँ तक? तीन वेक्टर्स एट अ टाइम एक्ट कर रहे हैं, सच दैट नेट फोर्स सभी फोर्सेस की जीरो है। मतलब अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि आपस में ही आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और बॉडी अल्टीमेटली रेस्ट पे रहेगी। तो यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो लैमिनस फ्लो लगती तब है जब सिस्टम किस में होता है, इन इक्विलिब्रियम, और सारी नेट फोर्स क्या होती है, जीरो, और आपस में कैंसिल करती है। तो ये सिचुएशन के बने लैमिनस फ्लो कहती है कि इस अगर ऐसा डायग्राम आपको मिल जाए तो इसमें F1 डिवाइडेड बाई F2 F3 के बीच में एंगल अल्फा, तो F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये फॉर्मूला लैमिनस थ्योरम ने दिया कि अगर आपके सामने तीन फोर्सेस हैं इकट्ठी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तीनों एंगल्स गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझो, मैंने ये F1 वेक्टर लिया, इस F1 वेक्टर को यहाँ बना लिया, कोई फर्क नहीं है, इधर से उठा के यहाँ लिखा, कोई फर्क तो है नहीं, बना सकते हैं, मैं कोई डायरेक्शन चेंज ही कर रहा हूँ F1 वेक्टर की, ना मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो F1 वेक्टर को यहाँ से यहाँ रख लिया। फिर ये जो F2 वेक्टर है, F2 वेक्टर, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं, मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कोई फर्क नहीं, तो F1 वेक्टर यहाँ लिख लिया, F2 वेक्टर यहाँ रख दिया, F3 वेक्टर को मैंने यहाँ रख दिया, ये रहा मेरा F3 वेक्टर, तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया F3 वेक्टर। अब एक चीज़ देखो, F1 F2 में एंगल क्या है, गामा, ये रहा आपका F1 वेक्टर, ये रहा आपका F2 वेक्टर, एंगल कितना है इनके बीच में, गामा। अब F2 F3 ये रहा आपका F3 F2 एंड F3 में एंगल कितना है, अल्फा, और ऐसे ही ये एंगल कितना है, F3 और F1 में बीटा। तो ये डायग्राम मैंने इसमें बना लिया, क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं किया, वेक्टर का रीअरेंजमेंट है, पर क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो F3 था वो नीचे की तरफ था, वो नीचे की तरफ था, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, ऊपर कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस F3 वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। मैंने इसलिए किया, अब मैं ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ। ट्राइंगल लॉ क्या है, ये एक वेक्टर इसे कंटिन्यू कर रहा है, इसकी क्लोजिंग साइड है, तो क्लोजिंग साइड इसमें कौन हुई, माइनस F3 वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। तो यहाँ से F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर का सम जीरो। वैसे ये तो मैं एक लाइन में वैसे ही बोल सकता था, क्योंकि तीनों जो फोर्सेज हैं आपस में कैंसिल कर रही हैं, मैंने बता ही दिया सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो नेट फोर्स वेक्टर सम क्या होता है फोर्सेज का, जीरो। एक लाइन में वैसे भी लिखा जा सकता है। अब करना क्या है, इसके अंदर इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को क्रॉस प्रोडक्ट लो F1 वेक्टर से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी क्रॉस F1 कर दो, राइट को भी क्रॉस F1 कर दो। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो F1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आप इसे ओपन करें, F1 क्रॉस F1 जीरो होगा, एक वेक्टर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। F2 F1 में F2 F1 ये रहा आपका F2, ये रहा आपका F1, इनके बीच में एंगल कितना है, गामा, तो F2 F1 साइन गामा। ऐसे F3 F1 को देखोगे तो F3 F1 साइन बीटा, F3 F1 में साइन बीटा, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को राइट पे ले जाओ, इक्वेशन नंबर 1 यहीं छोड़ दो। फिर आप क्या करोगे, फिर से सेम इक्वेशन लिखो, इस बार क्रॉस प्रोडक्ट लो F2 वेक्टर के साथ, पहले लिया F1 अब लो F2, क्रॉस प्रोडक्ट ले गए, ये वैल्यू आ गई, F2 क्रॉस F2 जीरो होता है। इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, राइट पे ले जाओ, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, F1 F2 साइन गामा, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट को देखो, F1 F2 साइन गामा, तो F1 F2 साइन गामा इसके इक्वल है, F1 F2 साइन गामा इसके इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है, तो यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, आपस में सब इक्वल है, इक्वल इक्वल करके ये इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को, तीनों साइड्स को F1 F2 F3 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब डिवाइड करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, रेसिप्रोकल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल लोगे तो लैमिस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ये लैमिस थ्योरम है, बड़ी अजीब सी थ्योरम है यार, क्या किया इसने यार, ये तीन वेक्टर ले लिए, फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, सॉल्व कर दिया, चलो सॉल्व कर दिया, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, बस अगर
प्रूफ करने को आ जाए इलेवेंथ तो ये करनी पड़ेगी, वो आती नहीं है, बात अलग है। अब एप्लीकेशन, अब लगती कहाँ पर है, आप किन किन क्वेश्चन में लगती देखोगे इसे। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट को रस्सी से बांध दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा, और मैंने इसको खींच दिया राइट की तरफ बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, पकड़े रखा हुआ है। इसका खुद का वेट कितना है, 60 न्यूटन, और यहाँ टेंशन TNT। क्वेश्चन में गिवन है पी इज एट इक्विलिब्रियम, पी इक्विलिब्रियम में है, गिवन है पी किस में है, इन इक्विलिब्रियम है, क्लियर है यहाँ तक। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स का मतलब क्या है, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। तो मैं लेमिस थ्योरम को यूज ना करते हुए अपना मेथड यूज करता हूं, और मेरे मेथड के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसमें इसमें कॉम्पोनेंट्स बनाऊंगा। देखो कैसे, टेंशन है ये थीटा थीटा ऑल्टरनेट, टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, हमने किया ऐसा क्वेश्चन पहले भी। और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, यानी कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50, दो इक्वेशंस, दोनों को डिवाइड कर दें इसको इससे, टैन थीटा, आपको एंगल थीटा निकालना है, थीटा इज टैन इनवर्स 5/6, आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है, मैंने इसमें बिल्कुल भी लेमिस थ्योरम यूज नहीं की, वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए, कुछ भी नहीं किया, इसको इसके इक्वल कर दिया और इसको इसके इक्वल कर दिया, डिवाइड कर दिया, डन। क्या ये मेथड क्लियर है? अब बुक्स क्या करती हैं इसको करने के लिए, लेमिस यूज करती हैं, वो कंपोनेंट बनाती नहीं है, वो कहती हैं बताओ तीन फोर्सेस कौन सी हैं, लेमिस कहता है तीन, एक एक 50, एक टी और एक 60, तीन फोर्सेस हैं, कहते हैं एक उन्हें इक्वेशन बनाते हैं बिना कंपोनेंट्स के, कैसे, टी टी पहली फोर्स है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो टी डिवाइडेड बाय इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है 90, तो यहाँ करेक्शन है, यहाँ पे लिखेंगे टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90, तो पहली फोर्स टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इनके बीच में एंगल 90, दूसरी फोर्स कितनी 50 डिवाइडेड बाय, अगर ये थीटा तो ये कितना इन दो फोर्सेस में 180 माइनस थीटा, तो 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और ऐसी 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो लैमिस सीधा तीन फोर्सेस लेती है जब इक्विलिब्रियम में, इक्वेशन लिखती है, इनको सॉल्व कर लो, एक मिनट में आंसर टेन थीटा आ जाएगा, डन। कौन सा मेथड पसंद, मैं सेकेंड नहीं करता, मैं कॉम्पोनेंट बना के फर्स्ट ही करता हूं। जब आप मेरे को ऐसा क्वेश्चन देंगे टेंशन वाला, तो मैं कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा एक मिनट में आंसर निकालूंगा, मैं लेमिस नहीं यूज करता। आप यूज करना चाहते हो अच्छी बात है, बुक यूज करेगी, काफी बुक्स यूज करती हैं, और मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बता दिया, आप मत यूज करो, आप कॉम्पोनेंट ड्रॉ करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक।